आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित सतरेंगा को देश के पर्यटन के नक्शे पर लाने की जोरदार कवायद चल रही है। इसको लेकर शासन प्रशासन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल की बैठक यहां आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। सतरेंगा में गोवा का समुद्र तो नहीं, लेकिन इससे कम भी नहीं। यहाँ के नज़ारे मॉरिशस की तरह हैं। यही वजह है कि इसे मिनी मॉरिशस कहा जाता है। इसके खूबसूरत एवं प्राकृतिक नज़ारे को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। सतरेंगा के रमणीय दृश्य की चर्चा अब और लोगों की जुबा पर आएगी, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सतरेंगा को देश के पर्यटन के नक्शे पर लाने की जोरदार कवायद की जा रही है। यही वजह है कि सतरेंगा में पर्यटकों के लिए विकसित हो रहा यह नया आधारभूत ढांचा। बीते माह प्रदेश के मुख्य सचिव RP मंडल के सतरेंगा दौरे के बाद यह तय कर लिया गया था कि इस स्थान को मॉडर्न टूरिज्म स्पॉट के तौर पर विकसित किया जाएगा। कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में जिला प्रशासन सतरेंगा में पर्यटन के लिहाज से आधारभूत ढांचे व सुविधाओं को दुरुस्त और विकसित करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही सतरेंगा को एक पहचान और मिलने वाली है कि भूपेश सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक सतरेंगा में की जाएगी। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ सरकार के सभी 12 मंत्री सतरेंगा पहुंचेंगे। इनके साथ राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा अन्य आला अफसरों का आगमन होगा। कैबिनेट की बैठक की तिथि आने के बाद से सतरेंगा को विकसित करने चल रहे कार्यों में और तेजी आई है। जिले के आला अधिकारियों की देखरेख में तेजी के साथ कार्य को तय तिथि तक पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। सतरेंगा के विकास के साथ ही यहाँ के ग्रामीणों के विकास के लिए भी जिला प्रशासन कार्य कर रही है। यही वजह है कि छोटे छोटे महिला समूहों को खाना एवं नाश्ता बनाने के लिए कैंटीन दिए गए हैं, तो युवकों को टिकट काउंटर, गोताखोरी आदि कार्यों के लिए रोजगार दिए जा रहे हैं। देखिए, सतरेंगा को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसके अंदर के समूह की महिलाओं को लेकर हम विभिन्न प्रकार की समितियां बना रहे हैं। जैसे फूड कोर्ट एक स्थापित किया जाएगा, उसमें अलग अलग कुजिन्स रहेंगे, उसके लिए समिति गठित की जा रही है, और प्लस पार्किंग के लिए समितियां गठित की जाएंगी, जिससे यहाँ के लोकल समूह हैं, लोकल युवा हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस टूरिस्ट स्पॉट के माध्यम से मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गोताखोरों का भी चयन किया जा रहा है? जी हाँ, गोताखोरों का भी चयन किया जा रहा है। उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया गया था, टेस्ट के माध्यम से उनका चयन किया जा रहा है। यहाँ पर जो कॉटेज बना हुआ था, कुछ उसमें अपूर्ण सा कार्य रहा है, उसको पूरा कराकर वहाँ पर जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उसको गार्डनिंग का हम लोग स्वरूप दे रहे हैं। जहाँ बाहर के लोग आएंगे, गार्डन का आनंद लेंगे, सामने जल विहार का आनंद लेंगे, वहाँ पर क्रूज की व्यवस्था रहेगी, नाव की व्यवस्था रहेगी। जो गांव के स्थानीय जो हमारे नियोजक हैं वो चलाएँगे उसको, उससे आमदनी उनको प्राप्त होगी। बाहर से आएंगे लोग ठहरने के लिए, उनको चाहिए तो बढ़िया हम लोग रेस्ट हाउस को ऐसे सजा रहे हैं, होटल की व्यवस्था जिस प्रकार बड़े होटलों में रहती है, आवश्यक फर्नीचर है, वहाँ पर खाने पीने का सामग्री है, बढ़िया से भोजन उसको मिले, नाश्ता मिले, तो स्थानीय युवकों के द्वारा और स्थानीय महिलाओं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जैसे वाहन पार्किंग का, पहले हम लोग 10-20 रुपया लेते थे, वाहन पार्किंग के लिए अब अच्छी सुविधा हो जाने पर उसको बढ़ाकर राशि ले सकते हैं। कोई टिकट काटने का कार्य कर सकता है और कोई सफाई का काम भी करने लगेंगे, यानी अलग अलग ग्रुप में महिलाओं को, युवकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। कैबिनेट की बैठक की तैयारी को लेकर भारत स्काउट गाइड को भी एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है कि मुख्य द्वार की डिजाइन को सजाए। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जवाबदारी को भारत स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं बखूबी निभा रहे हैं। कैडेट प्रिया राजपूत ने बताया कि स्काउट की ट्रेनिंग में उन्हें नॉट बांधने की कला सिखाई गई है, जिसका उपयोग कर वे मुख्य द्वार को सजाने में लगे हुए हैं। ये बताएंगे, जिस हिसाब से अभी यहाँ पे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, आप लोग को भी एक जवाबदारी दी गई है जी। आप लोग क्या क्या सीखे हैं अपने स्काउट में जो यहाँ पे आप लोग यूज़ कर रहे हैं? हाँ, उसमें हम लोग का एक कोर्स होता है पायनरिंग करके, जिसमें नॉटिंग लेसिंग बताया जाता है कि जो बांस बल्ली वगैरह होता है उससे कैसे गेट बनाया जाता है। जैसे कि फर्नीचर्स गेट आते हैं, लेकिन हमारे स्काउट गाइड में पायनरिंग एक तकनीक है जिसे नॉटिंग लेसिंग के द्वारा गेट बनाया जाता है, और उसी का गेट हम यहाँ पर बनाने वाले हैं।
इतनी बड़ी जवाबदारी आप लोगों को मिली है, क्या दिल में डर है कि कुछ कमियां रह जाएगी, या उत्साह है कि हमको इस तरह से जवाबदारी दी गई है? हम लोग को बहुत उत्साह है, थोड़ा नर्वस है, बट हम लोग अपना अच्छा 100% देंगे, जो हम लोग सीखे हैं हम लोग यहाँ अच्छे से दिखा पाए। हम आपको बता दें कि सतरेंगा एक ग्राम पंचायत है, जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। गाँव का सरहदी क्षेत्र हसदेव बांगो बांध के कैचमेंट एरिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ बताना होगा बांगो बांध का कैचमेंट एरिया 6,730 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांगो राज्य की ही नहीं बल्कि देश के बड़े बांधों में गिना जाता है। इसका निर्माण सन 1961-62 में हुआ था। बांध की भराव क्षमता 2894.331 MCM है। पहले इसकी भराव क्षमता 3046 MCM थी। इसमें लगभग 5% की कमी आई है। सतरेंगा के अलावा बुका, टिहरी सराय आदि क्षेत्र में पर्यटन स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। बुका को छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहा जाता है। बावजूद सतरेंगा एवं आसपास के ग्रामीणों के आय का मुख्य साधन कृषि है, जो महज 3 महीने की ही होती है। बाकी 9 महीने वे बेरोजगारी का जीवन जीते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन के पहल के बाद सतरेंगा के विकसित होने से अब ग्रामीणों को लग रहा है कि उन्हें साल भर आय का साधन मिलेगा, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा उनसे फॉर्म भी भरवाया गया है। तो काम दे रहे हैं, जैसे गार्ड का है और टिकट काउंटर का है, गोताखोर नौका विहार का है, सब का है। इससे आगे चल के आप लोग को, गांव वालों को, आप लोग को लाभ होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। बता दे पहली का काम करा रही तुम्हें? काम कुछ कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ। हम महिला स्वयंभू में जाते हैं। हाँ। तब उसका दिन हम मई ये हफ्ता में 10 रुपया तरथन जमा और महीना में किलो चावल। तो अभी यहाँ सतरेंगा में क्या कर रहा था तुम? तभी जब कर रख नहीं दे ओ कर देखो खाना बनाई है बूता कर रही है अंदर कहीं। हाँ कहीं बूता कर रही है अंदर, खाना बना था, भजी भजिया बना था, बारा भजिया। हाँ कत कब पैसा मिल जाते अभी तुम लोग? चाय अब जिसमें खवाइया रहते हैं तीसमें मिलते। हाँ मतलब घर चले में पैसा मिल जाते है ना? यहाँ पर मंत्री आ रहे हैं, बोले तो काम करो, और इसके बाद खाना बनाने का भी ऑर्डर मिला है, तो ट्रेनिंग भी दिया है। हम लोग नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हम लोग का दीदी है उन लोग गए थे। वन ये बतावे कि पहले तुम्हारे गांव जंगल के बीच में रहता, कहूँ जाना है? ये गांव कहाँ है तेरा? नहीं जानत रहे। अब क्या हुई तुम्हारे गाँव में जब मंत्री में नहीं था? शक्ति के अनजान है, मतलब जानकारी हो जाए कैसे मैं मंत्री आते करके। तब पहले तुम्हारे गांव में रोजगार के का साधन रही थे? कुछ साधन रही थे पहले? कुछ नहीं साधन रही थे। अब जब यहाँ पर्यटन स्थल बनाते तो का रोजगार मिली तुम्हें? बहुत कुछ रोजगार मिले, जैसे जैसे कि दुकान मिल गए, घाट का ही पूरा रोजगार मिल गए। कतका जन लेना रोजगार मिली सो ही? 150। तो 150 आदमी मन पहले का काम करे मन? पहले मन करा कुछ काम करे तो ही? नहीं, बेरोजगार ही घूमत रही थे। हाँ बेरोजगार। अब अमन के जिंदगी में कुछ बदलाव आई अब जब उम्र रोजगार मिल गया था? हाँ। कुशाल बतावे कि अभी कुछ फार्म वारम भराएगी से यहाँ पे रोजगार रोजगार भा? भराए गए हैं, महिला समूह के भराए है, यहाँ गार्ड के भराए है, और गोताखोरी के भराए है, और गाड़ी पार्किंग के लिए भराए। ये फार्म वाला कब भरे गए है कुछ पता है? अब बेरोजगार हैं तो रोजगार में भरा है कहानी। तो एक से तुम्हें कुछ फायदा मिली? अब मिली, अब काम दही तब बेरोजगार हैं तो मन नहीं। पहली का काम करत मन? पहली तो अब खेती किसानी करत रहे। कई महीना के काम रहे? अब 2-3 महीने कर रहे हो खेती। ओकर बाद हाँ बेरोजगार घूमते रहो खा खा के। तो अभी जो रोजगार मिली ते मैं लगा था तुम्हें पूरा साल भर काम कर सका था? अब लगत तो है, अब काम दे दही तो साल भर काम चल दे। तो छत्तीसगढ़ सरकार के सोच है कि सतरेंगा ला डेवलप करना है, यहाँ के काम देना है, वो सोच कैसे लगा सरकार के? सोच ही तब तो बनी, काम हम नहीं तो नहीं सोच में ही तो तुम्हारे गांव ला डेवलप करा थे ना? हाँ सोचे में करा थे, अब आए रही नहीं मंत्री जी, नहीं जिला सचिव, तब देख के गए हैं। अब बेरोजगार मंगा रोजगार मंगा दे ही कहा रोजगार तब तो बनी। सरकार के ये काम करे तरीका कैसे लगा तुम लोग? ठीक लगा, ठीक है मन बढ़िया रोजगार मिला थे। निश्चित ही सतरेंगा का विकास उसे भारत के नक्शे पर एक अहम स्थान प्रदान करेगा, साथ ही देश विदेशों से पर्यटकों के आने से उन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।